हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल। आज मैं फिर आपके लिए फोर ऐसे प्रोडक्ट्स लाई हूँ जो यूज़फुल तो हैं ही, बहुत यूनिक हैं, जो कि मुझे भी बड़े यूनिक आइटम्स लगे और अफोर्डेबल लगे। सबसे बड़ी बात यह है, मेरे जितने भी चारों के चारों प्रोडक्ट्स हैं सब अंडर 300 हैं। तो चलिए हम प्रोडक्ट शुरू करते हैं। मेरी वीडियो प्लीज़ लास्ट तक देखना, आपको बहुत मज़ेदार प्रोडक्ट मिलेंगे। और चलिए मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट देखते हैं। और प्लीज़ जो मेरे चैनल पर नए हैं वो जरूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपके पास मेरी वीडियोस टाइमली पहुंच जाएं। तो ये मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट है। देखिए कितना छोटू सा लग रहा है ये। जब मेरे पास रिसीव हुआ मुझे बड़ी हंसी आई। पहले तो मुझे लगा ये पता नहीं क्या, मुझे गलत तो नहीं रिसीव हो गया। आप ये देखिए, आपको भी बड़ा प्यारा लगेगा। ये मैंने मंगाया है, ये अभी फोल्ड हुआ हुआ है, बड़ा छोटा सा है। देखिए ये छोटा सा बैग है। हाँ, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था, मैंने बैग मंगाया था और ये इतना सा जो मुझे मिला, तो मुझे ये लगा कि नहीं ये मेरे साथ। लेकिन ये तो खुलने के बाद आप देखिए, मैंने इसे अनफोल्ड किया और ये तो ओपन ही होता चला गया। और मुझे बड़ा ही क्यूट भी लगा ये, मतलब कि बहुत अच्छा यूज़फुल आइटम है। ये क्या है मैं आपको बताती हूँ, ये एक फोल्डिंग बैग है। ये देखिए, इसमें मतलब कि फोल्ड करके दिया हुआ है, इसमें हैंडल्स भी दिए हुए हैं। वैसे तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी लगी, मतलब कि वो ये थोड़ा फैब्रिक भी अच्छा है, हैंडल्स दिए हुए हैं। ये अब आप देखिएगा अनफोल्ड होने के बाद कितना बड़ा हो जाता है। ये है फोल्डिंग बैग, जिसमें आप ये देखिए कितना बड़ा हो गया ना, लग नहीं रहा था ना कि ये छोटू सा बैग कितना बड़ा हो जाएगा। बड़ा प्यारा लगा, बड़ा क्यूट लगा मुझे। जगह देखिए इसमें कितनी ज़्यादा है, तो मुझे बहुत यूज़फुल लगा। जैसे कि हम कभी मार्केट वगैरह जा रहे थे, आपको कोई सामान लाना हो कोई घर का, और मजबूत बहुत है। हाँ ये बात है, इसमें मजबूत है, हैंडल है, बड़ा प्यारा मुझे फोल्डिंग बैग लगा। ये फोल्डिंग बैग बोलेंगे हम इसे। तो हमें कोई भी छोटे छोटे आइटम, क्या होता है मार्केट जाते हैं ना, बहुत सारे आइटम्स हो जाते हैं, तो वो जो मार्केट के थैले होते हैं वो कहाँ पकड़े जाते हैं। और ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे, छोटी सी है, हैंडी है, और इसमें ओपन होके जगह बहुत हो जाती है। हमें कुछ भी छोटा मोटा सामान लाना तो बहुत सामान आ जाएगा। अच्छी सी बीच में जिप दी हुई है, ये देखिए ये इसके बीच में लंबी सी, कितना लंबा, कितनी बहुत ही लंबी सी इसमें जिप दी हुई है। और ये जिप ओपन करने के बाद तो बस ये छोटू सा बैग जो है बहुत ही बड़ा बैग बन गया। ये देखिए कितनी इसमें जगह हो गई। तो मुझे यूज़फुल इसलिए लगा कि आप इसमें थोड़े छोटे मोटे सामान ले आओ, वेजिटेबल्स भी इसमें आ ही जाएंगी, क्योंकि फैब्रिक जो है इसका जैसे थोड़ा सा हैवी हो, मतलब कि हैवी भी है, अच्छा फैब्रिक है। ये देखिए आपको देखने से पता ही लग रहा होगा। तो ये आइटम मुझे कुछ यूनिक सी लगी, कुछ नया सा लगा मुझे कि ये छोटा सा बैग जो है इतना बड़ा हो जाता है और यूज़फुल भी है, क्योंकि कुछ भी छोटे मोटे सामान इसमें हम मार्केट जा रहे हैं, वेजिटेबल लाएँ या छोटे छोटे कुछ भी सामान हम लाते रहते हैं, और जब जाते हैं तो देखिए बहुत कुछ छोटा बहुत भर के तो ज़रूर लेके आते हैं। के लिए बैग ट्रेवल के हिसाब से, या हम कहीं घूमने जाइए। ये देखिए अब आपको बिल्कुल सही समझ आ रहा होगा, इसका हैंडल है और ये इतना बड़ा। हाँ ये इतना अच्छा बैग है कि हम एक दो जोड़ी कपड़े भी इसमें आराम से रख के ले जा सकते हैं। अगर हम कहीं वन डे ट्रिप के लिए जा रहे हैं तो ये देखिए कितना सारा सामान इसमें आ जाएगा। दिलग तो रहा था ये बहुत नन्ना सा, लेकिन आप देखिए खुल के कितना बड़ा हो गया है। तो मुझे ये आइटम बड़ी प्यारी लगी, और आपको मैं बताऊँ तो सिर्फ 160 रुपीज़ में मुझे ये मिला, तो मुझे बड़ा प्यारा लगा। हम ये देखिए घूमने जाने के पर्पज़ से अच्छा है, इसमें बहुत सारा सामान आ जाएगा। इसमें आप अपनी ज्वेलरी रख लीजिए, इसमें आप अपना कॉस्मेटिक्स का सामान रख लीजिए, मतलब कि बहुत ही, मतलब मुझे बहुत यूज़फुल लगा। किसी भी चीज़ में यूज़ आ ही जाएगा, ये बैग ऐसा है। और आप इसे फोल्ड करके देखिए कितना सारा स्पेस है ना। और ये देखिए अब देखना, मैं इसे फोल्ड करूँगी। मुझे बड़ा प्यारा लगा फोल्ड करने का तरीका भी इसका। इस तरह से आप चेन लगाइए, और चेन लगाने के बाद ये जो इसके जो कॉर्नर्स की जो ये है, ये ना ये पता नहीं क्या है, ये कॉर्नर्स की दोनों पकड़िए, इधर की और इधर की, ये जो, और इसको खींच दीजिए, और ये देखिए फिर ये छोटू सा बैग बन गया। तो बहुत अच्छा है, आप जब घर आए तो इसको आप लपेट के रख दें, छोटा सा बन जाएगा, आपको कहीं जाना हो आप इसको खोल लें। तो बहुत यूज़फुल चीज़ लगी मुझे। 160 में क्या ही आता है आप बताइए, और इतना बड़ा बैग आ रहा है, और अच्छी चीज़ है, मतलब तो आप इसे ले सकते हैं। बहुत अच्छा मुझे ये आइटम लगा, मुझे ज़रूर बताना आपको कैसा लगा कमेंट में। और हाँ ये भी मुझे बताइएगा कि आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि मैं हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही हैं। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स किया कीजिए बहुत सारे, फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में उन कमेंट्स के रिप्लाई भी करेंगे। तो इस तरह से आप इस पर, ये जो लास्टिक इसके साथ आती है, आप इस पर दोबारा से लास्टिक चढ़ा के इसको फोल्ड करके भी रख सकते हैं। तो और वॉशेबल भी लग रहा मुझे, करीब कभी आपको कोई ख़राब वगैरह हो जाए तो आपसे वॉश भी कर सकते हैं। तो बड़ा प्यारा बैग है। तो चलते हैं नेक्स्ट आइटम की तरफ। तो ये मेरा नेक्स्ट आइटम है,
ये भी मेरी चीज़ बड़ी यूनिक लगी मुझे, मतलब कि जो कि मैंने कभी देखी नहीं थी। तो मैंने सोचा कि भाई वाह, बड़ी अच्छी चीज़ है, ले ही लेनी चाहिए। आजकल के मौसम के हिसाब से भी बहुत अच्छी है, बरसात चल रही है। मुझे मेरा सर मैं मेरे पास अम्ब्रेला नहीं थे, तो मैंने सोचा अम्ब्रेला ऑर्डर करूँ। तो मुझे ये जो अम्ब्रेला दिखा, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। इस अम्ब्रेला में अब मैं आपके साथ एक मैजिक भी करने वाली हूँ, आप गैस करके बताइएगा क्या मैजिक हो सकता है। तो चलिए पहले प्रोडक्ट देख लेते हैं। मैंने अम्ब्रेला मंगाया था, देखते हैं कैसा आया है। पैकिंग तो बड़ी ऐसी है कि भिज के आई है, इसकी पता नहीं है सलामत भी निकलेगा कि नहीं, लेकिन हाँ ओपन करके देखते हैं, ओपन करके देखते हैं कैसा है। और अच्छा ही होगा लग रहा है कि साइड से भी ये देखिए, हाँ बड़ा प्यारा लग रहा है, कलर तो बहुत ही अच्छा है। इसे और ओपन करते हैं, ये देखिए बहुत प्यारा सा पिंक और ब्लैक इसमें कलर शो हो रहा है। अब इसे ओपन भी करते हैं, इसमें एक मैजिक है जो कि हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे ओपन करने के बाद। तो अम्ब्रेला की क्वालिटी भी अच्छी है, ये भी मुझे अफोर्डेबल मिला, लगभग 250 की रेंज में मुझे ये मिला। और जब आप इसका मैजिक देखेंगे आपको और भी अच्छा लगेगा, और साइज़ भी अच्छा खासा, बहुत बड़ा साइज़ है, छोटा नहीं है, जो फुल साइज़ होता है अम्ब्रेला का, अच्छा खासा खूबसूरत। ये देखिए अब आपको ये अम्ब्रेला प्लेन दिख रहा है ना, अब हम आपको मैजिक दिखाते हैं इसका। ये चलिए हम मैं थोड़ा सा मैंने क्या किया, बारिश में ले जाके से रख दिया। और देखिए जैसे ही ये अम्ब्रेला भीगेगा, इसके ऊपर फ्लावर प्रिंट उभर के आ जाएगा। और देखिए कितना क्यूट, इतना क्यूट, कितना प्यारा इसका प्रिंट लग रहा है। जब भी ये भीगेगा इसके फ्लावर उभर जाएंगे, और जब आप इसे सुखा के रख देंगे इसके फ्लावर चले जाएंगे। तो बड़ा प्यारा लगा मुझे, और आजकल के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है, बहुत बरसात चल रही है भाई। तो मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरा प्रोडक्ट अम्ब्रेला कैसा लगा, मेरा मैजिक अम्ब्रेला का कैसा लगा। मेरा क्या है, अम्ब्रेला का मैजिक है, बहुत अच्छा लगा मुझे ये भी प्रोडक्ट। तो 250 का शायद मुझे वो अम्ब्रेला मिला। तो चलिए हम थर्ड प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। ये प्रोडक्ट जो है तो नॉर्मल प्रोडक्ट, लेकिन बड़ा अफोर्डेबल है। अब मैं आपको प्रोडक्ट दिखाती हूँ, बड़ा रेट वाइज भी मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको तो पता ही है, अगर आप मेरी वीडियोस देखते होंगे तो आपको पता ही होगा मेरे सभी प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल होते हैं। तो ये जो मेरा थर्ड प्रोडक्ट है, ये मैंने मंगाया था एक बैकपैक होता है ना, तो उनकी तो बहुत ही ज़रूरत होती है, चाहे बच्चों के लिए हो चाहे बड़ों के लिए हो। छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए भी, थोड़े बड़े हो जाते हैं उनके लिए भी, ट्यूशंस जाते हैं उनके लिए भी, फिर कॉलेज जाते हैं उनके लिए भी। तो आप ये देखिए कितना प्यारा बैकपैक है ना, ये आपको छोटा लग रहा होगा लेकिन मुझे बड़ा प्यारा लगा। प्रिंट भी देखिए इसका, खूबसूरत प्रिंट है। और पहले मुझे लगा था क्वालिटी वाइज पता नहीं कैसा होगा, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैं आपको पूरा ओपन करके दिखाऊंगी, इसमें मैं आपको सभी चीज़ें दिखाती हूँ। देखिए अच्छा प्रिंट लग रहा है ना, इसका प्रिंट बहुत प्यारा है। इसमें आपको ये देखिए, ये जो इसके हैंग करने के होते हैं कितने मजबूत बने हुए हैं, बैग बहुत अच्छा है मतलब कि। और आपको मैं रेट बताऊँ तो ये ओनली 200 में मुझे मिला है। 200 में क्या कौन सा बैग आता है आजकल, तो ये मुझे उसी लिहाज से भी। और हाँ आप जो भी, अगर आपको ये बैग पसंद आएगा, इसमें और भी प्रिंट्स थे, तो अगर आपको और प्रिंट के लिंक चाहिए होंगे तो मैं वो भी प्रोवाइड करा दूंगी, आप मुझसे प्लीज कमेंट कीजिएगा। तो चलिए ये देखते हैं, देखिए साइड में दोनों इसमें पॉकेट दी हुई हैं जिसमें आप बॉटल्स वगैरह इजीली रख सकते हैं, थोड़ा कुछ छोटा सामान होता है वो भी रख लेते हैं। तो अच्छा खासा स्पेस दिया हुआ है, इधर इधर भी है बॉटल की जगह, और दूसरी तरफ भी बॉटल की जगह है। बॉटल रख लीजिए या कोई भी आप छोटा हैंकी वगैरह रखना चाहते हैं। तो ये देखिए लास्टिक लगी भी है, बैग बहुत अच्छी क्वालिटी का है, प्रिंट भी अच्छा लगा मुझे। और ये अगर हम कॉलेज जाते हैं तो भी अच्छा रहता है, ट्यूशंस बच्चे जाते हैं उनके लिए भी अच्छा रहता है, हम खुद भी अगर कहीं जाएं इसमें दो चार कपड़े भी रख के ले जाएं उस लिहाज से भी अच्छा है। देखिए आगे भी अच्छी पॉकेट है, थोड़ी सी थोड़ा सा क्या ज़्यादा सा सामान आगे भी आ सकता है। और अभी हम इसको बड़ी चेन खोल के दिखाएंगे, तो बताना ज़रूर मुझे कैसा लगा ये बैग। मुझे बहुत अच्छा लगा, अफोर्डेबल ज़्यादा लगा, क्योंकि 200 रुपये में क्या ही आता है आप बताइए आजकल। तो चलिए बड़ी चेन भी खोलते हैं। प्लीज़ जो मेरे नए व्यूवर्स हैं, जो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, और मेरे वीडियोस को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा अच्छे। और ये देखिए इसकी बड़ी चेन मैंने ओपन की, अच्छी खासी इसमें देखिए कितना सारा इसमें स्पेस दिया हुआ है। इधर से देखते हैं, और
ये देखिए कितना अच्छा इसमें स्पेस दिया हुआ है, और ये जो इसके बीच में एक पार्टीशन भी है, जैसे थोड़ा सा लैपटॉप के बैग्स में आपने देखा होगा बीच में पार्टीशन होता है, ऊपर नीचे आप इसमें थोड़े जो छोटा सामान है पीछे रख सकते हैं, मेन सामान आगे रख सकते हैं। तो आप देखिए कितना अफोर्डेबल है ना, 200 रुपये का, 220 या 210 रुपये का मुझे ये बैग पड़ा, और बहुत अच्छी क्वालिटी लगी मुझे। स्पेस सेविंग मतलब कि बहुत ज़्यादा स्पेस है इसमें, साइड्स में पॉकेट है, आगे भी है, हैंग करने का भी अच्छा है। अब मैं आपको रजिस्टर्स भी रख के दिखाऊंगी बड़े बड़े, आपको आइडिया हो जाए कितना बड़ा है। ये देखिए कितना बड़ा फुल साइज रजिस्टर मैंने लिया है, हम इसमें रखते हैं तो ये बहुत बहुत चीज़ों में यूज़ हो जाता है, मतलब हम कहीं भी जा रहे हैं, और छोटा है, हैंडी है, तो इसलिए भी मुझे बहुत यूज़फुल लगा। चलिए ये देखिए आराम से ये बैग आ रहा है, आराम से इसमें आपके 8 से 10 बुक्स ईजिली आ सकती हैं अगर आप ट्यूशंस वगैरह जाएँ। और ये देखिए ड्राइंग फाइल है, ये भी इसमें बहुत इजीली आ जाएगी। तो मैंने सामान रख के आपको इसीलिए दिखाया जिससे आइडिया हो जाता है ना कि इसमें कम से कम 8 से 10 बुक्स इसमें आ सकती हैं इजीली, बड़ी बड़ी भी आ जाएंगी। तो बड़ा प्यारा लगा मुझे ये, रेट वाइज भी अच्छा लगा, 220 रुपये का, 210 रुपये का शायद बैग है ये। हाँ ध्यान रखिएगा, और प्रिंट्स आपको चाहिए हो मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। इसमें 3-4 प्रिंट और थे, नीचे से भी अच्छी खासी जगह दी हुई है, वही मैं बोल रही हूँ ना काफ़ी सारी बुक्स आ जाएंगी आपकी इसमें। तो ये था मेरा थर्ड प्रोडक्ट, ज़रूर बताना मुझे आपको कैसा लगा। और अब मेरा फोर्थ प्रोडक्ट जो है वो तो बहुत ही बढ़िया है, वो ज़रूर देख कर जाना। तो ये मेरा जो फोर्थ प्रोडक्ट है ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, जो पेंटिंग्स जो ड्राइंग्स करते होंगे उनके लिए। और वही है ना, आपको तो पता ही है सबको, हर बार मैं अफोर्डेबल चीज़ें ही लाती हूँ, तो जो मुझे अच्छा लगता है अच्छे के साथ साथ, देखिए अफोर्डेबल के साथ साथ क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। आप जो भी लोग मेरी वीडियोस बन रहे हैं वो मेरी प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देखिएगा जाके, आपको ज़रूर कोई ना कोई प्रोडक्ट्स ज़रूर पसंद आएगा। और आगे भी मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स लाती रहूँगी, सारे प्रोडक्ट्स मेरे अफोर्डेबल तो होते ही हैं, उनकी क्वालिटी भी मैं चेक करके आपको दिखाती हूँ, जिसकी क्वालिटी अच्छी होती है उसकी आपको ज़रूर दिखा देती हूँ कि हाँ इसकी क्वालिटी अच्छी है। तो अच्छी ही क्वालिटी होनी चाहिए अफोर्डेबल के साथ साथ। तो ये देखिए ये मैंने मंगाया है, मार्कर्स होते हैं ना हम लोग ड्राइंग करते हैं बच्चे वगैरह, तो ड्राइंग करने के लिए जो मार्कर्स आते हैं, तो मैंने अब वो उसका सेट मंगाया था, ये 48 पीसेस का मार्कर से थे। कितना खूबसूरत इसके साथ पाउच भी दिया हुआ है, और ये देखिए आप कितने सारे इसके साथ आपको 48 मार्कर्स मिलेंगे, और अप्रोक्स इसमें सभी कलर कवर हो रहे हैं, एक एक कलर के तीन तीन, एक एक जैसे पिंक हुआ तो 4 पिंक हैं, 5 पिंक हैं, ब्लू हुआ ब्लू के भी कई सारे शेड्स हैं, और जी येलो हुआ येलो के भी, आप देख ही सकते हैं कितने प्यारे प्यारे इसमें शेड्स हैं। तो मुझे ये तो बहुत ही अच्छा पैकेज लगा। अब मैं आपको इसके रेट बताती हूँ, ये मुझे मिला 330 का। अब आप ये देखिए कि ये 48 मार्कर्स हैं, अगर आप मार्केट से सिंगल सिंगल मार्कर्स भी लेने जाएंगे तो 48 मार्कर आपको मिल रहे हैं 480 के, और ये पूरा पैक आपको मिल रहा है 330 का, तो आपको 150 रुपीज़ का तो यही नेट फ़ायदा है। और इसमें एक बात है, ये देखिए ये दो दो साइड्स हैं, ये एक साइड आपको इनकी जो सिंपल स्केच पेन होते हैं उस टाइप की निब मिलेगी, और एक साइड आपको ब्रॉड निब मिलेगी, ये चीज़ इसमें बहुत अच्छी है। मैं तो कहती हूँ जो तो आर्ट्स करते हैं, आर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, जो जिनके स्कूल में बस स्कूल्स के लिए तो ये परफेक्ट है, या प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं। ये देखिए ये तो इसकी चौड़ी वाली जो निब होती है, इसकी चौड़ी निब है, बहुत ही खूबसूरत मुझे ये पेन्स लगे, और वाइब्रेंट कलर है। सबसे अच्छी बात यह है कि सभी कलर्स में जो भी हैं वाइब्रेंट हैं, बहुत ही काम की चीज़ है, स्कूल्स गोइंग जो बच्चे होते हैं उनके लिए तो। और ये देखिए दूसरी तरफ की है, ये पतली निब है, हम आपको चलाकर भी ज़रूर दिखाएंगे। तो लाइए भाई डायरी, लाइए डायरी, लाइए। तो ये मेरी डायरी आ गई, यहाँ हम आपको ज़रूर चलाकर दिखाएंगे। ये देखिए ये इसकी, और वाइब्रेंट कलर ऊपर से हैं तो अंदर से भी वाइब्रेंट है, मतलब चलने में भी आपको वाइब्रेंट ही मिलेंगे। और अब हम चौड़ी जो निब है उससे करेंगे। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत मार्कर्स हैं, वही मैंने बोला ना आपको, आप अलग अलग लेने जाएंगे 10 रुपये का एक मार्कर मिलेगा आपको। यहाँ आपको देखिए सेविंग कितनी हो रही है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये पैकेज, और कलर्स भी सभी बहुत अच्छे हैं। तो ये मेरा फोर्थ प्रोडक्ट था। तो जो भी लोग प्लीज़ मेरी वीडियोस पर नए हैं, मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, सो दैट मैं आपके लिए और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ला सकूं जिनकी क्वालिटी भी अच्छी हो, अफोर्डेबल भी हो। और आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरे कौन कौन से प्रोडक्ट्स पसंद आए हैं,
और सभी के लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। उसके अलावा कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ मुझे मैसेज ज़रूर करना, और टिल देन बाय बाय।